हे गाइस, स्वागत है आप सबका। तो चलिए आज घर में ही बनाते हैं बिल्कुल यमी सा पुलाव। और उसके लिए सबसे पहले एक कुकर लेंगे, उसमें डाल देंगे हम एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल और कुछ खड़े मसाले। यहाँ पे हमने लौंग, इलायची, जीरा और तेजपत्ता, बड़ी इलायची, जो भी आपके पास अवेलेबल हो डाल दीजिए, और अगर नहीं है तो उनको स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने दो छोटे प्याज डाले हैं, जिसको कि ऐसे मोटा मोटा काट लिया है। बारीक काटने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, यहाँ पर थोड़ा मोटा मोटा रफली काट दीजिएगा। एक बड़ी चम्मच डालिए उसमें फ्रेश जो अदरक लहसुन का पेस्ट होता है वो डाल दीजिए, चाहे तो पेस्ट डाल दीजिए या फिर क्रश करके भी डाल सकते हैं। एक टमाटर डाला है हमने, वो भी बड़ा टमाटर डाला है, उसको भी हमने ऐसे लंबा लंबा रफली चॉप कर दिया है। और इसे एक मिनट के लिए अच्छे से हम भून लेंगे, ताकि जो अदरक लहसुन की स्मेल है ना वो चली जाए। अब थोड़ा सा नमक डाला है हमने यहाँ पर, अभी स्टार्टिंग में हमने एक छोटी चम्मच ही नमक डाला है, और उसके बाद थोड़ा सा इसको यानी 30 से 40 सेकंड के लिए हम ढक्कन लगा देंगे ऊपर से हल्का सा, ताकि जो टमाटर प्याज हैं वो अच्छे से गल जाए और मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे डालेंगे हम एक छोटी चम्मच हल्दी, एक छोटी चम्मच मिर्च पाउडर। स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप नॉर्मल डालिए, और अगर कम स्पाइसी करते हैं तो यहाँ पे आप जो कलर वाली मिर्च होती है वो डाल दीजिए। एक कप यहाँ पे हमने डाल दिए फ्रेश मटर, और इसको भी हमने कर दिया अच्छे से मिक्स। और दो छोटे आलू डाल दिए हमने, जिनको कि हमने इस तरीके थोड़ा मोटा मोटा टुकड़ों में काट लिया था, और ये मिक्स कर दिया। इसको भी एक मिनट तक भून लीजिए, ताकि जो आलू और मटर है उसमें मसाले मिक्स हो जाएं। एक चम्मच यहाँ पे हमने डाला गरम मसाला, और एक बड़ी चम्मच यहाँ पे डाल रहे हैं हम पाव भाजी मसाला। तो गाइस, पाव भाजी मसाला अगर आपके पास है तो आप वो डालिए, और अगर पाव भाजी मसाला नहीं है तो या तो आप जो चिकन मसाला होता है वो डाल दीजिए, या फिर जो सब्जी मसाला होता है वो डाल दीजिए। उसको कर दिया हमने मिक्स। और अब यहाँ पर हम डाल देंगे राइस, और जैसे ही आप जो हमने राइस डाला था ना उसको धो लिया था, उसके बाद एक बड़ी चम्मच घी जरूर डाल दीजिएगा। उससे क्या होगा कि जो आपका चावल है ना वो खिला खिला बनेगा। और उसके बाद डाल दीजिए पानी। पानी आप कैसे डालेंगे, जितना राइस लिया है उससे दोगुना पानी, अगर एक कप राइस है तो दो कप पानी। और उसके बाद डाल दीजिए कसूरी मेथी, इसका बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, और फ्रेश काटा हुआ हरा धनिया, और यहाँ पे हमने बीच में आधा नींबू भी निचोड़ दिया था। और उसके बाद चावल के अकॉर्डिंग, जितना चावल आपने डाला है ना उस हिसाब से थोड़ा सा नमक और ऐड कर दीजिए, और ढक्कन लगा दीजिए। ढक्कन लगा के इसको हमने दो सीटी आने देना है हाई फ्लेम पर, और जब तक सीटी थोड़ी सी ठंडी हो रही है फटाफट से रायता बनाते हैं। बूंदी लीजिए, उसको गर्म पानी में भिगाने के लिए डाल दीजिए, और जब तक ये बूंदी सॉफ्ट होगी ना तब तक चलिए हम दही बना लेते हैं। दही या तो आप घर की जमी हुई लीजिए, या बाहर की जैसी भी ले रहे हैं ना आप, उसको छलनी से छान के डालिएगा गाइस। इससे क्या होता है ना कि जो दही है यानी जो आपका रायता है ना, बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर का बनता है। तो छलनी में डाल दीजिए, और ऊपर से एक स्पैचुला या करछी से इस तरीके से प्रेस करेंगे ना, तो आप नीचे आप देखेंगे कि जो आपकी जो दही है ना बिल्कुल एकदम स्मूथ बनके रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी एकदम टेक्सचर देख रहे हैं आप इसका, एकदम मलाई, एकदम सॉफ्ट। अब इसको अच्छे से फेंट लीजिए, और इसके अंदर डाला हमने छोटी चम्मच से नमक, थोड़ा सा काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे डाल दिया काली मिर्च पाउडर। तो ये सारे जो मसाले हैं ना बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देते हैं। और यहाँ पर एक चम्मच हमने डाला है जीरा पाउडर। जीरा को आप क्या करना ना, जीरे को थोड़ा सा तवे में भून लेना, हल्का सा भून जाए, उसके बाद उसको बेलन से क्रश करके इसके अंदर डाल दीजिए और मिक्स कर दीजिए। और उसके बाद जो बूंदी हमने भिगाई हुई थी ना उसको एक छलनी से छान लीजिए, क्योंकि बूंदी अब हमारी जो थी वो पानी में अच्छे से फूल चुकी है। तो अब बारी आती है इसको दही में डालने की। तो इस तरीके से हमने जो सारी बूंदी थी निकाल ली, और अब इसको हम रायते बना लेंगे मिक्स करके। तो देखिए बातों ही बातों में जो हमारा बूंदी का रायता है गाइस बनके रेडी हो गया है। इनको मिक्स करिए, और ये देख रहे हैं, चाहे तो आप इसको ऊपर से गार्निश भी कर सकते हैं, या एक हल्का सा जीरे का तड़का भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। और अब रायते को रखते हैं साइड, और देखते हैं पुलाव के क्या हाल हैं। तो सीटी ठंडी हो चुकी थी, हमने निकाल ली, और एक करछी से आप इसको इस तरीके से मिक्स करिए, हल्का हल्का, ज़ोर से नहीं करिएगा वरना जो दाने हैं चावल के वो टूट जाते हैं। और बस, तो चलिए सर्व करते हैं। तो ये देखिए हमारा जो इंस्टेंट मटर पुलाव है बिल्कुल बन के रेडी है गाइस। आप इसको कभी भी फटाफट बना के ट्राई कर सकते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।